भारी बर्फबारी से गंगोत्री एनएच कई जगह ब्लॉक हुआ है। सुखी टॉप से आगे गाड़ियों का आना जाना प्रभावित है। हनुमान चट्टी से आगे भी नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ है। धरासू बड़कोट के हाईवे पर चलना मुश्किल नजर आ रहा है। भरा लमगांव चौरंगी खाल के पास मार्ग बर्फबारी से बंद है। उत्तरकाशी देहरादून मार्ग सुवाखोली के पास ब्लॉक बर्फबारी से बंद है। रास्तों को खोलने का काम तेजी से जारी है। वहीं मोरी के नेटवार भटवाड़ी में बिजली की सप्लाई ठप हुई है। आज शाम 6 बजे तक विद्युत व्यवस्था सुचारू होने की संभावना है। तो आपको बता दें उत्तरकाशी में बर्फबारी हो रही है जमकर, जिसके चलते वाहनों को निकलने में दिक्कतें हो रही हैं और इसके साथ ही रास्ते जो है वो ब्लॉक हो गए हैं। जेसीबी की सहायता से रास्तों में से बर्फ हटाई जा रही है ताकि वाहन निकल सके। उत्तरकाशी में जनपद में हुई भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित करीब 7 लिंक मार्ग का बंद है। गंगोत्री हाईवे को बीआरओ और यमुनोत्री हाईवे को एनएच विभाग की मशीनें खोलने में जुटी हुई हैं। जिला प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए। पीछे आगे भी अवरुद्ध है जिसको शाम तक सुचार किए जाने की संभावना है और इस बार राली टॉप में मार्ग सुचार कर लिया गया, लेकिन उस पर रिस्क है थोड़ा, तो सावधानी पूर्वक चलने के लिए भी लोगों को आगाह किया गया। इस बार चौरंगी मार्ग भी 2 बजे तक दिन में खुल जाएगा और हनुमान चट्टी भी शाम तक, हनुमान चट्टी से आगे भी शाम तक सुचार हो पाएगा। अन्य इसके अतिरिक्त जो हमारे विद्युत सेवाएं प्रभावित हुई थी वो सभी सुचार कर ली गई है। अभी गंगोत्री क्षेत्र में थोड़ा विद्युत की आपूर्ति बाधित हुई है, उसको भी शाम तक सुचार कर लिया जाएगा। उधर उत्तरकाशी में आम लोग ठंड से बचने के लिए आलाप का सहारा ले रहे हैं। हालांकि यहां बर्फबारी आम लोगों और काश्तकारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लोगों का कहना है कि जनपद में हुई बारिश और बर्फबारी पर्यटकों, काश्तकारों और आम लोगों के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से जनपद में बारिश नहीं हुई थी जिससे लोग काफी परेशान थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं जहां पर खुशनुमा भी एक तरीके से कह सकते हैं मौसम पर्यटकों के लिए है। पहली स्नोफॉल आज हुई है यहां पे और हम लोग काफी खुश नसीब है कि आज हम लोग यहां पे आ पाए। हम लोग सुखी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी, सुखी टॉप की, और सुखी टॉप की चढ़ाई के अंदर भी इस समय आप देख सकते हो कितनी बर्फबारी हो रखी है। गाड़ी को चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है मगर ठीक है, यही एडवेंचर है, इसी को एडवेंचर कहा जाता है। यहाँ पर जो है उत्तरकाशी प्रॉपर शहरी क्षेत्र में जो है खूब बारिश हो रही, कल रात से काफ़ी समय से यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही थी, सूखे के हालात बन चुके थे और कल से जो है भगवान इंद्र देवता ने कृपा कर दी, बारिश हो गई है और यहाँ जो है हर्षिल, गंगोत्री, यहाँ हमारा चौरंगी खाल खूब बर्फ पड़ गई है और अब न पानी की दिक्कत हो गई, स्वास्थ्य भी लोगों को काफ़ी ख़राब, सर्दी जुकाम बुखार काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, अब सब सुधार हो जाएगा। खबर बागेश्वर से है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मौसम मेहरबान हुआ है और ऊंचाई वाले इलाकों को बर्फ का दीदार हुआ है। पिंडाघाटी के गांव में हिमपात होने से पहाड़, खेत, खलिहान बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। जिले के निचले इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। यहां बर्फीली ठंड बढ़ने से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बर्फबारी से कई सड़कों पर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। लोग जगह जगह गाड़ियों को धक्के लगाते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की कई जेसीबी मार्ग सुचारू करने में लगे हुए हैं। इधर कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से बिजली गायब है।